चैनल होपफुली आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े लगी हूँ और बहुत ही ज्यादा मजेदार बनाएंगे तो चने बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे जिसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है एक किलो और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए यहां पर मैंने एक बंज लिया है हरा धनिया तीन छोटी साइज की प्याज और चार से पांच दरमिया साइज की हरी मिर्चें जिनको चॉपर में डाल के मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है बस अब इन सारी चीजों को हम कीमे में ऐड करना स्टार्ट करेंगे सो सारे मसाले को हमने ऐड कर देना है कीमे के अंदर अच्छी तरीके से इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टू टेबल बेसन बेसन ऐड करने के बाद टू टेबल ऑयल ऐड करेंगे हम इसमें इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ वन टी नमक वन टी जीरा वन टी पिसी हुई मिर्चें और वन टी धनिया पाउडर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक अदद अंडा अंडा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वन टेबल स्पून ऑफ अदरक लहसुन का पेस्ट सारे स्पाइसेस कीमे के अंदर हमने ऐड कर दिए हैं अब हम अच्छी तरीके से कीमे को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे तकरीबन भी एक से डेढ़ मिनट के लिए आपने कीमे को अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो कीमे में अच्छी तरीके से रच बस जाएं। सो यहाँ पर कीमा हमारा बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है अब मैं अपने हाथों को करूंगी ग्रीस और यहां पर मैं कोफ्ते बनाना स्टार्ट करूंगी आपने अपनी शेप और अपने साइज के हिसाब से बनाना है एंड मेक श्योर कोफ्ते पे कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए एक रेडी हो गया है इसी तरीके से हम सारे कर लेंगे और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रैक फ्री हमारे कोफ्ते बने हैं आपने भी इसी तरीके से बनाने हैं बस यहाँ पर अब मैंने लिया है एक पैन इसमें मैंने ऐड किया है वन कप ऑयल फ्लेम को रखा है मैंने मीडियम हाई ऑयल को थोड़ी सी देर के लिए गर्म होने देंगे जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड करना स्टार्ट करेंगे सो यहां पर हल्के हाथ से आपने सारे कोफ्तों को ऐड कर लेना है जब आप एक दफा सारे कोफ्तों को ऐड कर लेंगे तब आपने दो मिनट के लिए कोफ्तों को कुक होने देना है और इसमें बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाना वरना कोफ्ते टूट जाएंगे और बिखरने लगेंगे दो मिनट के लिए आपने कोफ्तों को कुक होने देना है जब एक साइड से फर्म हो जाएंगे कोफ्ते तब आपने हल्के हाथ से कोफ्तों को फ्लिप करना स्टार्ट करना है ताकि दूसरी साइड से भी कोफ्ते अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। तो दो मिनट एक साइड कुक करना है और दो मिनट दूसरी साइड पे कुक करना है फ्लेम आपका मीडियम हाई है यहां पर हम कोफ्तों को 60 टू 70 परसेंट कुक करेंगे इससे ज्यादा कुक नहीं करेंगे सो तो बस आपने कोफ्तों को इतनी देर तक के लिए कुक करना है जब तक इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए और यहाँ पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है बस अब आपने सारे कोफ्तों को निकाल लेना है सो so, ज्यादा आपने कुक नहीं करना 60-70 परसेंट कुक करना है उसके बाद आपने कोफ्तों को निकाल लेना है अब इस सेम ऑयल में हम ऐड करेंगे प्याज फ्लेम हमारा मीडियम हाई है और प्याज मैं ऐड कर रही हूँ चार मीडियम साइज की प्याज मैंने ली है जिसको मैंने इस तरह स्लाइस कट कर लिया है इस ऑयल में ही ऐड करेंगे उसके बाद आपने प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई करना है इतनी देर के लिए फ्राई करना है आपने प्याज को जब तक प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन नहीं हो जाती जब प्याज अच्छे से गोल्डन हो जाएगी तब आपने थोड़ी सी प्याज को निकाल लेना है और बाकी जो रिमेनिंग प्याज रह जाएगी इसमें आपने ऐड करना है पानी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे वन टू टेबल स्पून पानी हम क्यों ऐड करते हैं ताकि प्याज का कलर मजीद डार्क ना हो सो so, टू टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे उसके बाद हम ऐड करेंगे गरम मसाला जिसमें हाफ टी स्पून काली मिर्चें हाफ टी स्पून जीरा तीन चार छोटी इलायची तीन चार लौंगे एक तेज पत्ता और दो बड़ी इलायची यूज की है मैंने एक से डेढ़ मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में अच्छा सा गरम मसाले का फ्लेवर आ जाए उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया था जिसके छिलके उतार के इसको मैंने कट कर लिया और वो ऐड किया साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके कुक करेंगे पाँच से छ मिनट के लिए या इतनी देर के लिए कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जो कि पाँच से छः मिनट में हो जाएंगे पाँच से छः मिनट के बाद आपने लिड को रिमूव करना है और आप देखें कि जो पानी हमने ऐड किया है वो ख़त्म हो जाना चाहिए अगर नहीं ख़त्म हुआ तो यहाँ पर आपने पानी को बिल्कुल खुश करना है फ्लेम दोबारा से आप करेंगे मीडियम हाई और एक से डेढ़ मिनट के लिए आप टमाटरों को अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर के चंक्स ना रहें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए साथ हम ऐड करेंगे चार से पाँच हरी मिर्चें साबित हरी मिर्चें उनको भी अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि मसाले में मिर्चों का बहुत अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाए इसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर एक पाव दही दही ऐड करने के बाद भी आपने अच्छी तरीके से मसाले के साथ इसको मिक्स करना है तकरीबन भी एक से डेढ़ मिनट के लिए क्योंकि दही अपना पानी रिलीज करेगी अभी सो बस यहाँ पे आपने एक से डेढ़ मिनट के लिए इसको मिक्स करना है फिर हम इसमें ऐड करेंगे वन टीस्पून नमक मसाला हमें फीका नहीं बनाना तो यहाँ पर वन टीस्पून आपने नमक ऐड करना है फिर हम इसमें ऐड करेंगे वन टेबल स्पून सौंफ और वन टेबल स्पून साबित धनिया जिसको मैंने दर दरा सा फ्रेश पीस लिया है इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और ये मसाला पुलाव में जान डाल देता है तो ये स्किप नहीं करना आपने इसको डालने के बाद भी आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है अब हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते जो कि हमने पहले सिक्सटी सेवेंटी परसेंट कुक किए थे कोफ्ते ऐड करने के बाद आपने इसको करना है अच्छी तरीके से मिक्स फ्लेम को आपने करना है यहाँ पे लो टू मीडियम और कवर करके आपने इनको आठ से दस मिनट के लिए पकाना है नमक हमने मसाले में इसीलिए ऐड किया था क्योंकि जब हम कोफ्ते ऐड करेंगे तो जितना भी मॉइस्चर है वो कोफ्ते एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे और अगर नमक नहीं होगा तो कोफ्ते फीके पड़ जाएंगे सो so, यहाँ पर आपने फ्लेम को करना है लो टू मीडियम और 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है जिसमें हमारे कोफ्ते 100% परसेंट गल जाएंगे और सारा जो भी मसाला हमने रेडी किया था उसका भी अच्छा सा टेस्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे हमारे कोफ्ते दस मिनट के बाद आपने लिड रिमूव करना है कोफ्ते हमारे बहुत शानदार तरीके से रेडी हो गए हैं मसाला बिल्कुल रेडी है अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल चावल यहाँ पर मैं यूज करी हूं वन केजी के जी जो कि बासमती राइस है और मैंने आधे एक घंटे पहले इनको भिगो के रख दिया था साथ हम ऐड करेंगे पानी तो पानी का रेशो इतना होता है कि जितना आपने चावल लिया है उसका डबल आपने पानी डालना है एक किलो मतलब चार गिलास चावल तो आठ गिलास पानी उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है मैंने यहाँ पर वन एंड हाफ टेबल स्पून नमक ऐड किया है नमक डालने के बाद आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है चावलों को फ्लेम आपका मीडियम हाई रहेगा आपने यहाँ पे चावलों को करना है कवर और कवर करके आपने इतना कुक करना है कि चावलों में अच्छा सा बॉयल आ जाए जो कि पाँच से छः मिनट के अंदर आ जाएगा सो so, यहाँ पर आपने दोबारा से एक दफ़ा मिक्स करना है और आप देख सकते हैं चावल हमारे कितने अच्छी तरीके से पक रहे हैं ना हमारे चावल टूटे हैं और ना ही हमारे कोफ्ते टूटे हैं बस आपने एक दफ़ा मिक्स करना है और दोबारा से इसको कवर करके पाँच से छः मिनट के लिए कुक करना है या जब तक के पानी खुश्क ना हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी हमारा खुश्क हो गया है बिल्कुल अब आप करेंगे फ्लेम को लो टू मीडियम अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे वन टेबल स्पून धनिया एंड वन टेबल स्पून पुदीना साथ जो हमने प्याज पहले निकाल कर रखी थी वो भी ऐड कर देंगे फ्लेम हमने कर दिया है लो टू मीडियम और अब हम इसको कवर करके तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के लिए दम लगाएंगे हल्की आंच पे सो 10 से 12 मिनट में ये अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे 10 से 12 मिनट के बाद हम इसका करेंगे लिड रिमूव और आप देख सकते हैं कितने शानदार से हमारे चावल रेडी हुए हैं और ये भाप निकलना बहुत ज़रूरी है इसका मतलब है कि हमारे चावल बहुत अच्छे से दम आ गए बस अब हल्के हाथ से आपने चावलों को मिक्स करना है और आप देखें हमारा चावल कितना खिला खिला पका है ना हमारे चावल टूटे हैं और ना ही हमारे कोफ्ते टूटे हैं और बहुत ही शानदार सा हमारा कोफ्ता पुलाव बनके रेडी हो गया है हल्के हाथ से आप इसको मिक्स करें अच्छे से और अब पारी आती है इसको डिश आउट करने की सो ये है इसका फाइनल लुक एंड ट्रस्ट मी इतना मज़ेदार बनता है बहुत ही शानदार बन रेडी होता है ये तो देखा आप लोगों ने कितने सिंपल वे में हमने चिकन कोफ्ता पुलाव बना के रेडी कर लिया अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ सबसे पहली टिप ये है कि जब आप कोफ़्ते बनाएंगे तो कीमे में ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए आप चाहे उसको मलमल -मल के कपड़े में रखें या फिर आप उसको छन्नी में रखें लेकिन आपने पानी उसमें से रिमूव कर लेना है अगर उसमें ज़रा सा भी पानी होगा तो कोफ्ते नहीं बनेंगे वो टूटेंगे और वो बिखर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आप मसाला रेडी करेंगे पुलाव के लिए तो आपने उसमें नमक ज़रूर ऐड करना है क्योंकि अगर आप उसमें नमक ऐड नहीं करेंगे तो जब हम कोफ्ते ऐड करेंगे उसमें तो कोफ्ते मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और अगर उस मसाले में नमक नहीं होगा तो कोफ्ते हमारे फीके पड़ जाएंगे तो मेक श्योर जब आप इस रेसिपी के लिए मसाला रेडी करेंगे तब आपने उस मसाले में नमक ज़रूर ऐड करना है तो बस जब आप इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो ये चिकन कोफ्ता पुलाव आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा मजे का बनने वाला है तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों से कैसा बना होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी यहाँ पर वीडियो को एंड करेंगे और नेक्स्ट टाइम आप लोगों से फिर मिलेंगे तब तक के लिए हाफिज़